हमारी पृथ्वी पर लगभग 71% पानी मौजूद है। पानी भगवान की दी हुई उन 5 तत्वों में से एक है जो जीवन और विनाश दोनों का कारण बन सकती है। धरती पर मौजूद एक ऐसी जगह जो कि अटलांटिक महासागर में है, एक रहस्यमय जगह जो अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा के बीच में स्थित है। ट्रायंगल की तरह इसका आकार होने की वजह से इसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। ट्रायंगल के इस रास्ते से गुजरने पर बड़े बड़े समुद्री जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। इसी कारण से इस बरमूडा ट्रायंगल को डेविल यानी राक्षस ट्रायंगल भी कहा जाता है। इस जगह को रहस्यों से जोड़ा गया है जहां पर अनेक समुद्री हादसे और घटनाएं घटित होती हैं, जहां कई समुद्री जहाज और विमानों की अविश्वसनीय गायब होने की खबरें आया करती थी। ये बात 1945 की है जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद 5 दिसंबर 1945 को अमेरिकी नेवी की तरफ से फ्लाइट 19 एक ट्रेनिंग मिशन कंडक्ट कराया गया, जिसमें 5 टॉरपीडोस विमान जो नावल एयर स्टेशन फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा से उड़ान भर रहे थे। इन 5 एयरक्राफ्ट के पायलट्स और क्रू मेंबर्स को समुन्दर के ऊपर एक प्रैक्टिस मिशन पर भेजा गया था, जिनमें टोटल 14 क्रू मेंबर्स थे और हर एयरक्राफ्ट में 3 मेंबर्स का क्रू था, जिन्हें फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर द्वारा लीड किया जा रहा था। उनका मिशन था कि वो एक प्रैक्टिस बॉम्बिंग एक्सरसाइज कंप्लीट करें और फिर बेस तक वापस लौट जाएं। लेकिन फ्लाइट के दौरान जैसे जैसे ये अपने मिशन में आगे बढ़ते गए, वेदर कंडीशन खराब होता गया और विजिबिलिटी भी कम होने लगी। फ्लाइट 19 के पायलट से कम्युनिकेशन में मुश्किल होती गई और बैड वेदर कंडीशन की वजह से वो अपने ट्रैक से भटक गए। उनका कंपास मैलफंक्शन भी हो गया। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, पायलट्स लॉस्ट हो गए और इवेंचुअली उनका फ्यूल खत्म हो गया। किसी भी कम्युनिकेशन के बावजूद उनका कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं हो सका और उनका पता नहीं लग सका। दोस्तों, उनका लास्ट कम्युनिकेशन रिकॉर्ड है जब लीडर ने कहा, ऑल प्लेन्स क्लोज अप टाइट, वी विल हैव टू डिच अनलेस लैंडफॉल, वी ऑल गो डाउन टुगेदर। फ्लाइट 19 के पायलट्स और एयरक्राफ्ट का कोई भी ट्रेस नहीं मिल सका। इस घटना को बरमूडा ट्रायंगल के मुख्य रहस्यों में से एक माना जाता है। इसके बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट मरीनर, जिसे रेस्क्यू 1 के नाम से जाना जाता था, इसे भेजा गया ताकि वह पता लगा सके कि आखिर फ्लाइट 19 के साथ हुआ क्या था। लेकिन इस एयरक्राफ्ट के भी कुछ समय बाद कम्युनिकेशन का कॉन्टेक्ट टूट गया और वो भी गायब हो गया। इन दोनों के अचानक से गायब हो जाने के बाद एक बहुत बड़ा एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन करवाया जाता है इन दोनों एयरक्राफ्ट को ढूंढने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। इस सर्च में कुछ भी नहीं मिलता, ना ही किसी की बॉडी मिलती है और ना ही कोई जहाज। दोस्तों, फ्लाइट 19 और रेस्क्यू 1 दोनों का गायब हो जाना एविएशन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा अनसॉल्व मिस्ट्री बन गया। जिस जगह पर ये दोनों प्लेन्स गायब हो जाते हैं उसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि फ्लाइट 19 की डिसअपीयरेंस अटलांटिक ओशन के एक स्पेसिफिक ट्रायंगुलर एरिया में हुई थी जो नॉर्थ मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच में था। इस ट्रायंगल में कई और सिमिलर मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस हुई हैं, जिनके कारण अब तक सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। लेकिन ब्रूस जर्मन नाम का एक पायलट था जो इस बरमूडा ट्रायंगल से जिंदा वापस लौट कर आया। सन 1970 में हुए इस पूरी घटना को उन्होंने विस्तार से बताया कि जब वह बहामा से मियामी के लिए जा रहे थे, उनका कहना था कि जब उनका जहाज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा था तो उनके जहाज के सिग्नल, कंपास और इंजन काम करना बंद कर दिए। मौसम अचानक से खराब हो गया और सिर्फ 3 मिनट के अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा काले बादलों का झुंड उनकी तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसकी वजह से ये कुछ कर ना सके और आसपास बिजलियां कड़क रही थी, हवाएं तेज थी और चारों तरफ धुआं ही धुआं था। इस 3 मिनट में ही इनके प्लेन ने 150 किलोमीटर की दूरी तय की। दूरी को तय करने के लिए जितना फ्यूल खर्च होना चाहिए वो भी नहीं हुआ। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य से पर्दा हटाते हुए समुद्री जहाजों और विमानों के अचानक से गायब हो जाने की मिस्ट्री पर अपने कई सुझाव पेश किए हैं। उनका कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल के इतिहास और कहानियों के पीछे कोई महान राज या मिस्ट्री नहीं है और इसके चक्कर में कोई खास राज नहीं खुला। ज्यादातर घटनाएं या उनका विलीन हो जाना सामान्य प्राकृतिक या मनुष्य के अभाव से जुड़ी हुई है।
कई वैज्ञानिक और प्रमुख विश्लेषक लोग इसके बारे में कहा करते हैं कि कई घटनाएं मुख्य रूप से समुद्री स्थितियों जैसे कि जल धाराओं और तूफानी हवाओं के कारण होती हैं, जिसे आगे हम पॉइंटों में जानेंगे। हैवी ट्रैफिक एरिया बरमूडा ट्रायंगल एक बिजी शिपिंग लेन है जहां पर काफी शिप्स और एयरक्राफ्ट मौजूद होते हैं, जिससे नेचुरली ही एक्सीडेंट्स और डिसअपीयरेंसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। वेदर कंडीशंस बरमूडा ट्रायंगल एक एरिया है जहां पर अचानक वेदर चेंजेस स्टॉर्म्स और अशांत समुद्र कॉमन होते हैं। ये कंडीशंस शिप्स और एयरप्लेन्स के लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं और किसी भी एक्सीडेंट की स्टार्टिंग पॉइंट्स हो सकती है। मैग्नेटिक अनोमलीज कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल में मैग्नेटिक अनोमलीज होते हैं जो कंपास और नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। मीथेन हाइड्रेट्स कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ओशन फ्लोर पर मीथेन हाइड्रेट्स की लार्ज डिपॉजिट्स होते हैं। इन डिपॉजिट्स के सडन रिलीज से बबल्स क्रिएट होते हैं जो वेदर डेंसिटी को डिक्रीज कर सकते हैं और शिप्स को सिंक कर सकते हैं। बरमूडा ट्रायंगल में जहाजों की बड़ी दुर्घटना यहां मिलने वाले हेक्सागोनल क्लाउड्स की वजह से होती है। इनके अंदर चलने वाली हवाएं इतनी तेज होती हैं कि ये प्लेन्स के दो टुकड़े भी कर सकती हैं। और तो और यहां बर्फ के छोटे छोटे समुद्री पहाड़ होने की वजह से गर्म हवाएं इन समुद्री पहाड़ों से टकराती हैं, हलचल पैदा होती है और नतीजा ये एक चक्रवात का रूप ले लेता है। इस इलाके से गुजरने वाले जहाजों और विमानों का इस चक्रवात की चपेट में आने से वह समुद्र में डूब जाते हैं। दोस्तों, वीडियो का अंत यही है कि कुछ लोग बरमूडा ट्रायंगल एरिया को एक मिथ या मिस्ट्री के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक नेचुरल फिनोमिना के रूप में समझते हैं। अब तक इस जगह को दुनिया के टॉप 10 मोस्ट डेंजरस प्लेसेस की लिस्ट में भी नहीं शामिल किया गया और क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा आसमान से आते आग के गोले को वैज्ञानिकों ने एक मीटियोर ही बताया। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।